नमस्कार, मैं प्रिया। आज 31 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में इतने प्रतिशत मतदान। बिहार में अब नहीं होगी बिजली की किल्लत। बिहार में चकबंदी से जुड़ी समस्याओं की होगी ऑनलाइन शिकायत और सुनवाई। बिहार में हर महीने होगी सरकारी स्कूल की जांच। हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में इतने प्रतिशत मतदान। बीते दिन बिहार विधानसभा की 2 सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुए। इस दौरान सुबह के 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया दोनों सीटों पर शुरू हो गई थी। इस दौरान तारापुर सीट पर सुबह से ही महिलाओं की भीड़ ज्यादा देखने को मिली। यहां 406 बूथों पर शाम के 4 बजे तक ही मतदान हुए। वहीं सुबह में ठंड की वजह से वोटरों में उत्साह कम देखने को मिला था। CEO बिहार HR श्रीनिवास और AGG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि कुशेश्वर स्थान में 49% और तारापुर में 50.05% वोट पड़े। दोनों सीटों को कर कुल 49.59% जनता ने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं आपको बताते चले कि तारापुर में 52 बूथों को प्रभावित मानते हुए यहां BSF जवान तैनात हुए थे। वहीं कुशेश्वर स्थान में भी सड़क पर गश्ती के साथ नाव से भी यानी कि 30 नाव की निगरानी पर लगाया गया था। वहीं मतदान प्रक्रिया को प्रशासन द्वारा सुरक्षित माहौल में कराया गया और टोल फ्री नंबर किसी भी तरह की शिकायत करने के लिए जारी किए गए थे। इमरजेंसी कॉल की कमान अब वर्दीधारी बेटियों को। जल्द ही बिहार में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए डायल 112 की शुरुआत की जाएगी, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस आपातकालीन सेवा को संभालने की जिम्मेदारी बिहार की महिला पुलिसकर्मियों को ही मिलने वाली है, जिसको लेकर बिहार में तेज तर्रार महिला पुलिसकर्मियों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसके लिए पटना में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनेगा। इस कमांड सेंटर को संचालित करने के लिए 3 तरह के पद पर पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। आपात स्थिति में जो कॉल कमांड सेंटर को आएंगे उन्हें रिसीव करने की जिम्मेदारी कॉल रिस्पांस एसोसिएट को दी जाएगी, जो उसके बाद अब इच्छुक पुलिस अधिकारियों और जवानों से आवेदन की मांग की गई है। बिहार के इस विभाग के अधिकारियों की बढ़ेगी मुश्किलें। बिहार में सरकारी अधिकारी जो काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उन पर सरकार की तरफ से नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी बीच बिहार के एक और विभाग के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, जिसके तहत बिहार के राजस्व विभाग और उसके क्षेत्रीय अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि दोनों ही विभाग जिद पर अड़े हैं कि वो गड़बड़ी रोकेंगे लेकिन काम अपनी मर्जी से करेंगे। यही कारण है कि अक्टूबर में राजस्व विभाग ने दर्जन भर क्षेत्रीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनको निलंबन से लेकर तक की सजा दी गई है। कुछ अधिकारियों को तो अवकाश ग्रहण करने पर भी राहत नहीं मिल रही, क्योंकि उनके पेंशन से वसूली के आदेश दिए गए हैं। बिहार में नहीं होगी बिजली की किल्लत। बिहार में बिजली की समस्या आम बात रही है, लेकिन अब आने वाले समय में बिजली की समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि बाढ़ NTPC की स्टेज 1 की पहली यूनिट का ट्रायल रन शनिवार को पूरा हो गया है, जिसे आम नागरिकों को आने वाले समय में काफी सहूलियत मिलने वाली है। इसको लेकर इंजीनियरों ने केक काटकर जश्न मनाया, जिसके परिणाम स्वरूप अब त्योहारों के मौसम में ही यानी अगले महीने 660 मेगावाट वाली इस यूनिट से बिहार को 330 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। NTPC की इस यूनिट के शुरू हो जाने से NTPC की समेकित क्षमता देश में 70,600 मेगावाट की हो गई है। कभी भी बंद हो सकता है आपके पास का मोबाइल टावर। बिहार में कई ऐसे मोबाइल टावर मौजूद हैं जो कि बिना अनुमति के चल रहे हैं। ऐसे टावर संचालकों को सरकार ने अनुमति हासिल करने और शुल्क जमा करने का एक और आखिरी मौका दिया है, जिसके तहत अब निर्धारित समय सीमा में अनुमति नहीं लेने वाले मोबाइल टावरों को बंद करवा दिया जाएगा। इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। इसके लिए 19 नवंबर तक की तारीख सरकार ने निर्धारित कर दी है। इसके बाद निर्धारित समय सीमा में सभी आवेदनों का निष्पादन कर दिया जाएगा, जिसके बाद 19 नवंबर तक मिलने वाले सभी आवेदनों के निष्पादन के बाद बचे हुए टावरों को बंद करवाने की प्रक्रिया होगी। नगर निगम क्षेत्र में इसके लिए सर्वाधिक ₹20,000 प्रति वर्ग फीट शुल्क निर्धारित किया गया है। बिहार में जल्द शुरू होगा ये प्लांट, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार में जल्द ही पेप्सी का उत्पादन शुरू होने वाला है। इसको लेकर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और पेप्सी ग्रुप की तरफ से एक बैठक की गई। बैठक में ही उद्योग मंत्री ने बताया कि पेप्सी का उत्पादन फरवरी या मार्च से शुरू होने वाला है, जिसके तहत ही बरौनी में वरुण बेवरेज की तरफ से पेप्सी का प्लांट लगाया जा रहा है, जो मेरे उद्योग मंत्री बनने के बाद बिहार में पहले इन्वेस्टर हैं। इस प्लांट के बन जाने से 500 से 700 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। ज्ञात हो निवेशकर्ता पहले से मेदांता हॉस्पिटल और लेमन ट्री होटल में पार्टनर है। उन्होंने कहा है कि कंपनी की तरफ से डेयरी प्रोडक्ट के उत्पादन में भी निवेश किया जाएगा। बिहार में
सताएगी इस बार की ठंड। सूबे बिहार में साल 2017 की तरह इस साल ठंड खूब सताने वाली है। मौसम विज्ञानियों ने अभी से ही इसको लेकर आशंका जताना शुरू कर दिया है और संभावना जताई है कि दिसंबर की अपेक्षा इस बार जनवरी और फरवरी के महीने में सूबे में कोल्ड डे और कोल्ड नाइट की संख्या में इजाफा होगा और शीतलहर का प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा। मौसमविदों के अनुसार लानीना के प्रभाव से उत्तर पूर्व एशिया में संभावित मौसमी बदलाव का असर बिहार सहित देश के कई राज्यों में दिखेगा। बताते चले कि फिलहाल अक्टूबर महीना समाप्त हो रहा है और इस सप्ताह भर पहले ही पटना समेत कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। खासकर रात के वक्त लोगों को ठंड का एहसास अधिक हो रहा है। बिहार में आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती है बालू की किल्लत। बिहार में बालू की समस्या पहले से ही बहुत ज्यादा है। वहीं हाल ही में 8 जिलों में खनन पर फिर से रोक लगाए जाने के बाद बिहार में बालू की किल्लत और ज्यादा बढ़ने वाली है। वहीं बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री रामजनक राम ने कहा है कि बालू का अवैध खनन नहीं होगा। खनन पर रोक लगाए जाने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। इसका निष्कर्ष निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। सीएम नीतीश को भी जल्द ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। विभाग तत्पर है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। जानकारों की माने तो बिहार के विभिन्न जिलों में खनन और पाबंदी और कई जिलों में टेंडर नहीं निकाले जाने के कारण राज्य में बालू खनन की प्रक्रिया ठप है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों पर संकट पैदा हो सकता है। फेस्टिव सीजन को लेकर अलर्ट मोड में आई पीएचक्यू। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर 5 चरणों के सफलतापूर्वक मतदान और मतगणना के बाद अब बारी 6ठे और 7वें चरण की है। हालांकि इसके बीच बिहार में त्योहारी सीजन का भी माहौल है। ऐसे में पुलिस भी अब अलर्ट मोड में आ गई है क्योंकि ये ऐसे त्योहार है जिस समय बिहार से काफी संख्या में प्रवासी अपने घर आने वाले हैं। ऐसे में दिवाली और छठ पूजा शांतिपूर्ण सफल हो सके उसको लेकर के पुलिस मुख्यालय ने सभी तैयारी पूरी कर रखी है। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के द्वारा पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती होने वाली है। साथ ही मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 6ठे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होने वाला है और 7वें चरण का 15 नवंबर को होने वाला है। बिहार में चकबंदी से जुड़ी समस्याओं की होगी ऑनलाइन शिकायत और सुनवाई भी। बिहार में चकबंदी से जुड़ी समस्याओं की ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने वाली है। इसको लेकर सुनवाई भी होगी जिसके बाद रैयत ऑनलाइन माध्यम से ही सुनवाई का हिस्सा बनेंगे, जिसके बाद हर एक दिन की सुनवाई का ब्यौरा विभाग के पोर्टल पर शाम में दर्ज कर दिया जाएगा। यह जानकारी चकबंदी विभाग के संयुक्त निदेशक नवल किशोर ने दी है। वो दिल्ली में आयोजित जमीनी बातें श्रृंखला के तहत आयोजित जनसंवाद में हिस्सा लेने गए थे। इसको लेकर उन्होंने चकबंदी के बारे में मीडिया को जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि मैनुअल तरीके से होने वाली चकबंदी में चूक की गुंजाइश अधिक होती थी। बिहार के 3.25 लाख शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए इतने करोड़ जारी। बिहार के शिक्षकों को दिवाली से पहले वेतन मिलने की बात कही गई थी, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग का ये दावा सही साबित होता नजर आ रहा है, जिसके तहत जल्द ही बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों के 2,74,681 शिक्षकों के वेतन मद में 1,719,32,89,336 रुपए जारी कर दिए गए हैं। ये राशि पंचायती राज विभाग एवं नगर निकाय के शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय के जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के वेतन आदि मद में खर्च होगी। राशि की स्वीकृति और विमुक्ति के साथ ही शिक्षकों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे परिवा प्रणति की। परिवा प्रणति एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सोप ओपेरा में दिखाई देती हैं। उन्होंने तलाश, वादा रहा, विद लव, दिल्ली जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। हाल ही में वो हमारी बहन दीदी श्रृंखला में अमृता की भूमिका निभा रही थी। वो वर्तमान में सोनी सब पर वागले की दुनिया, नई पीठ नए किसी में, वंदना वागले के रूप में अभिनय कर रही हैं। परिवा का जन्म पटना में एक बिहारी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता एयरफोर्स ऑफिसर हैं। वो वायुसेना स्वर्ण जयंती संस्थान और दिल्ली में लेडी श्रीराम कॉलेज की पूर्व छात्रा रही हैं। परिवा अब मुंबई में रहती हैं। परिवा ने अभिनेता और बंजी फोटोग्राफर पुनीत सचदेव से वैलेंटाइन डे और ग्वालियर में एक निजी समारोह में शादी की थी। मैट्रिक परीक्षा में फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के कारण इतने हाई स्कूल को शोकॉज। मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जो कि राज्य के 4,354 हाई स्कूल द्वारा किया गया है। बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रेशन में छात्रों के माता पिता की जगह कहीं XYZ तो कहीं TEST तो कहीं DFF जैसे उत्पटांग शब्द लिखकर भर दिए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जांच में इस पर निंदा जताई गई है। इसके बाद परीक्षा समिति ने सभी हाई स्कूल के प्रचार्य को शो कॉज जारी किया है। बिहार बोर्ड की माने तो ये लापरवाही के साथ धोखाधड़ी का भी विषय है। बोर्ड का कहना है कि ये मामला सामने आने के बाद लग रहा है कि स्कूलों ने अज्ञात लोगों को मैट्रिक परीक्षार्थी बनाने के लिए ये चाल चली है। रेलवे का दिवाली और छठ पर यात्रियों को मिला तोहफा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
दिवाली और छठ महापर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत रेलवे पटना के अलावा सहरसा, भागलपुर, समस्तीपुर से नई दिल्ली, मुंबई और LTT के बीच पूर्व स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों के परिचालन से पहले से चलाई जा रही ट्रेनों में भी भीड़ कम होगी। हालांकि इन ट्रेनों में स्पेशल किराया लगने वाला है, जिसके तहत मुंबई से भागलपुर के फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, सुपरफास्ट उत्सव स्पेशल ट्रेन, लोकमान्य तिलक समस्तीपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्पेशल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, भागलपुर स्पेशल, सहरसा आनंद विहार टर्मिनल, पूजा विशेष गाड़ी, आनंद विहार टर्मिनस दरभंगा पूजा विशेष और दरभंगा आनंद विहार टर्मिनस अलग अलग तारीख पर चलाई जानी है। बिहार में हर महीने होगी सरकारी स्कूल की जांच। बिहार में सरकारी स्कूल की बदहाल हो रही व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए गए हैं, जिसके बाद से ही बिहार सरकार बिहार के सभी स्कूल की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रही है। बिहार के सरकारी विद्यालयों की हर महीने ऐप से निगरानी इसी को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य कर दी गई है, जिसके तहत अब विद्यालयों के खुलने का समय, शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण कार्य और अन्य गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। जिन विद्यालयों में किसी प्रकार की गड़बड़ी पकड़ी जा रही है, वहां तत्काल कार्रवाई भी हो रही है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की बिना सूचना अनुपस्थिति पाए गए शिक्षकों की रिपोर्ट जिलों से मांगी है। शिक्षकों की उपस्थिति और कक्षाओं के संचालन की बेहतरी की रिपोर्ट है। बिहार के दरभंगा जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाले दरभंगा शहर सदियों से संगीत कला और लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता रखे हुए है। बिहार का ये जिला लोक कला शैली की समृद्ध परंपरा और मिथिला पेंटिंग के लिए देश भर में मशहूर है। बिहार का ये शहर प्राचीन काल में मिथिला का प्राचीन शहर हुआ करता था। दरभंगा का नाम दो शब्द द्वार बंगा से बना है। द्वार का मतलब दरवाजा और बंगा का मतलब है बंगाल। ये बंगाल के प्रदेश द्वार का प्रतीक है। दरभंगा किला, श्याम काली मंदिर, मखदूम बाबा की मजार, होली रोस्ट्री चर्च, चंद्रधारी संग्रहालय और हराही तालाब दरभंगा पर्यटन के मुख्य आकर्षण है। छठ महापर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया पत्र। बिहार में छठ महापर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी सिविल सर्जन को अलर्ट जारी किया गया है। अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्ता ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर कहा है कि छठ महापर्व इस साल 8 नवंबर से मनाया जाना है। इस दौरान पटना में स्थित नदी और नदी घाटों पर या अन्य महत्वपूर्ण घाटों पर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। एम्बुलेंस और दवाओं की व्यवस्था करने का भी निर्देश सभी सिविल सर्जनों को दिया गया है। इसके अलावा COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में सभी आवश्यक प्रोटोकॉल और विभाग की तरफ से जारी निर्देशों का पालन करने के लिए तैयारी करने को कहा गया है। बिहार के सीमांचल की गोगाबिल झील राजस्थान के भरतपुर पक्षी विहार की तर्ज पर होगी विकसित। बिहार के सीमांचल की गोगाबिल झील को विकसित करने की योजना बिहार सरकार बना रही है, जिसके तहत ही सरकार अब इसे राजस्थान के भरतपुर पक्षी विहार की तर्ज पर विकसित करने वाली है। इसके लिए तैयार कार्य योजना को वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है। साथ ही 6 करोड़ की इस कार्य योजना को अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया गया है, जिसको भी जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस झील को विकसित करने के लिए तय कार्य योजना में विदेशी परिंदों के हितों का विशेष ख्याल रखा गया है, जिसको कि 5 साल में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस पर कुल मिलाकर 6 करोड़ का खर्च आने की उम्मीद जताई जा रही है। छठ गीत से शारदा सिन्हा कर रही हैं कोरोना से सजग रहने की अपील। बिहार में जल्द ही त्योहारों का मौसम आने वाला है, वहीं त्योहारों को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं और छठ को लेकर गाने भी आने लगे हैं। इसी बीच छठ को लेकर शारदा सिन्हा ने भी अपना नया गाना जारी किया है, जिसके तहत शारदा सिन्हा ने इस बार अपने छठ गीत के माध्यम से कोरोना से बचाव की अपील की है। इसका ऑडियो विजुअल संदेश को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूट्यूब चैनल पर जारी कर दिया है, जिसको अच्छे खासे लोगों ने देखा है। इस गीत के माध्यम से शारदा सिन्हा कोरोना से सजग रहने के लिए त्योहार भी और कोरोना उचित व्यवहार भी का संदेश दे रही है। संभावित तीसरी लहर को रोकने पर अगले साल से सभी लोग पहले की तरह ही पर्व मना सकेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जहां तक संभव हो सके घर पर ही छठ करें। तो 2 सीट जीतकर ऐसे सरकार बनाएंगे तेजस्वी। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार में काफी गर्म माहौल है। भले ही बिहार में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया हो, लेकिन बिहार की राजनीतिक सरगर्मी अभी भी चरम पर है। इसी बीच राजद की तरफ से 2 सीटों को जीतते ही सरकार बनाने की बात भी कही जा रही है, जिसको सुनकर राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैरान थे। वहीं अब तेजस्वी ने खुद इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट किया है और कई संकेत दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अपनी स्ट्रैटेजी किसी को कभी भी नहीं बताई जाती। इन्हीं सबके बीच बीते दिन हुए चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने उम्मीद जताई कि न सिर्फ लोग बड़ी संख्या में निकलकर राजद को वोट देने पहुंचे थे, बल्कि राजद के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजय भी बनाने वाले हैं।
चुनाव के परिणाम पूछने पर मुस्कुराए सीएम नीतीश। बीते दिन दो सीटों पर हुए उपचुनाव के मतदान संपन्न हो गए हैं, जिसके बाद अब सभी पार्टियों को चुनावी परिणाम का इंतजार है। इसी बीच जब पत्रकारों ने सीएम नीतीश से उपचुनाव के परिणाम को लेकर सवाल किया तो सीएम नीतीश मुस्कुराते दिखे। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता मालिक है, इस पर हम क्या बोले। हम ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत है बोलते रहने की, तो बोले पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के मशहूर तैराक मिहिर सेन ने 1966 में पनामा नहर को तैरकर पार किया। हैदराबाद में आयोजित एफ्रोएशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने 2003 में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण प्राप्त किया था। देश में 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को गुप्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराना संबंधी विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2008 में आज के दिन मंजूरी दी थी। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीएन नायडू का जन्म 1895 में आज के दिन हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में आज के दिन हुआ था। भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन 1984 में आज के दिन हुआ था। भारत की प्रसिद्ध पंजाबी और हिंदी लेखिका अमृता प्रीतम का निधन 2005 में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 30 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,220 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,490 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 112.42 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 104.00 रुपए प्रति लीटर थे। अपने आप को भेज पाएंगे अब व्हाट्सएप मैसेज। आज हम आपको एक ऐसे कमाल की सीक्रेट बताने वाले हैं। इस ट्रिक की मदद से आप खुद को व्हाट्सएप मैसेज भेज पाएंगे। इसके लिए अपने फोन के इंटरनेट ब्राउजर में स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक को टाइप करें। यह गूगल क्रोम सफारी और माइक्रोसॉफ्ट एज जैसी सभी प्रमुख ब्राउजर पर काम करता है। अब आपको इस ब्राउजर में +91 के बाद लगे सभी जीरो को डिलीट करके उनकी जगह अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद एंटर प्रेस करके कन्फर्मेशन मैसेज पर टैप करें। ऐसा करने के बाद आपके नंबर से एक चैट ओपन कर देगा। अब अपना मैसेज लिखें और सेंड पर एंटर कर दें। आप चाहें तो मेन चैट लिस्ट में जाकर इसे लॉन्ग प्रेस करके टॉप पर पिन भी कर सकते हैं। आरके सिन्हा को मिला ये सर्वोच्च सम्मान। बीते दिन पूर्व सांसद आरके सिन्हा को लोकनायक जयप्रकाश सम्मान से जेपी सेनानियों ने सम्मानित किया। यह कार्यक्रम अन्नपूर्णा सभागार में आयोजित किया गया था। इस दौरान सभी की तरफ से आरके सिन्हा से आग्रह किया गया कि वो जेपी सेनानियों का नेतृत्व स्वीकार करें, जिसके बाद पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जेपी सेनानियों का नेतृत्व स्वीकार करते हुए कहा कि एक प्रांतीय सम्मेलन में संगठन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा और व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की मांगों को पूरा करने के लिए काफी कार्य हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक आंदोलन को गतिशील किए बगैर संपूर्ण क्रांति के सवालों को सरकार भी हल नहीं कर सकती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पूजा कुमारी, आनंद झा, मनीष मोहरा, गुड्डू कुमार, रूपम कुमारी, अखिलेश यादव, नवीन कुमार, रवि कुमार, मुमताज अंसारी, अजीमा फिरदौस, रघुनाथ प्रसाद, सतीश आजाद, राजा राम, माही आनंद, शिल्पा कुमारी, संदीप कुमार, खुशबू कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आज भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप में किस टीम का पराज ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।